देश में जॉब मार्केट में ट्रेंड बहुत तेजी से बदल रहा है। जनरेटिव एआई, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग हो या फिर ईवी डिजाइन, सब ने पूरी तरीके से जॉब मार्केट को पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर एआई को लेकर तो कई सवाल है ही, साथ ही इंफोसिस के को फाउंडर मिस्टर नारायण मूर्ति के नए बयान के बाद भी चर्चाएं काफी ज्यादा गर्म है। ऊपर से दूसरे सवाल हाई सैलरी से जुड़ा हुआ भी है कि भाई ऐसे कौन से स्किल्स पैदा किए जाए जिसके जरिए आज के युवाओं को कभी बेरोजगारी का डर या फिर सैलरी कम सैलरी का डर ना सताए। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान है, सोनी का एरोन, फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर मार्चिंग शीप की हैं। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है बिजनेस टुडे बाजार पे। तो थैंक यू सो मच हर्ष। मैम सबसे पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा, ये बताइए कि जब हमने कुछ ट्रेंड चेंज होते हुए देखा, जैसे एडटेक प्लेटफॉर्म ग्रेट लर्निंग की एक रिपोर्ट आई है, उसने बताया कि जो छोटे शहर हैं जैसे मदुरई हो गया, नागपुर हो गया, कोयम्बटूर हो गया या लखनऊ हो गया, वहां पे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े जो युवा हैं वो छोटे सेक्टर से निकलकर अब ज्यादा आ रहे हैं। साल 2023 की बात की जाए तो ये आंकड़ा 42 से 44% बढ़ा है, जबकि पिछले साल ये 32-33% था। तो मैम ऐसा चेंज क्यों आया है, इसके पीछे के क्या लॉजिक्स है? देखिए, जब भी टेक्नोलॉजी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है ना, तो जब भी नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ऑर्गेनाइजेशंस उसको ग्रेजुअली एस्पाउज करती हैं, और धीरे धीरे ज्यादा ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस उनको अपने सिस्टम्स में, अपने प्रोसेसेस में इंक्लूड करने लगती हैं। तो जितनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस उनको इंक्लूड करेंगी उतनी ज्यादा उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो इट इज पॉसिबल दैट पिछले साल से ज्यादा इस साल ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं जिनके बारे में हम सुनते आ रहे हैं, जनरेटिव एआई हो, मशीन लर्निंग हो, फुल स्टैक हो, एनालिटिक्स हो, अभी जितना उनका अडॉप्शन है वो पिछले साल से कहीं ज्यादा होगा। जितनी भी यंग जेनरेशन जो पढ़ाई करके निकल रहे हैं, इंडिया एक बहुत बड़ा देश है ना, तो जितने भी यंगस्टर्स हैं जो पढ़ाई करके निकल रहे हैं, जो जॉब्स के लिए एस्पायर कर रहे हैं, उनके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपनी नॉलेज, अपना स्किल सेट उस स्तर पे ले आए कि कंपनीज उनको रेलेवेंट पाए। तो जब ये कंपनीज ये सब टेक्नोलॉजीज को एस्पाउज कर रही हैं, और ये ऑब्जर्व किया गया है कि कंपनीज में ये जो स्किल गैप है, जब वो ये सारे नई टेक्नोलॉजी को अप्लाई करती हैं, तो उन टेक्नोलॉजीज को रन करने के लिए, अप्लाई करने के लिए भी कंपनी में अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना, बिल्कुल तो ऑप्शन उनको वही स्किल वाले लोग चाहिए। तो ठीक इसलिए ये वाली जो जनरेशन है ये अपने आप को इवॉल्व कर रही है, जो पॉसिबल हो सकता है कि उनके ग्रेजुएशन में स्कूल कॉलेजेस में इतना नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है मैम। मैम मेरा अगला सवाल मिस्टर नारायण मूर्ति पर है। आपने भी सुना होगा पीछे काफी कंट्रोवर्सी रही कि 70 घंटे युवाओं को काम करना चाहिए, और अभी इन्होंने हाल ही में एक और बात कही कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े जो लोग हैं, इंडस्ट्री से जुड़े जो लोग हैं, उनको 3 शिफ्ट में काम करना चाहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर? देखिए, मैं इसको ना मैं हमेशा कहती हूँ, आप किसी भी चीज को लेटर एंड स्पिरिट में समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम 1 मिनट के लिए 70 घंटे या 3 शिफ्ट की बात को ना सोच के हम ये सोचें कि हम एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं, हम एक्चुअली ये कहना चाह रहे हैं कि हम जिस स्टेज में हैं, इंडिया जिस स्टेज में है, हम एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ नहीं रह सकते। वी हैव टू वर्क हार्ड। अगर हमको ग्रो करना है, अगर हमको एक लीडिंग इकोनॉमी बनना है, अगर हमको एक ग्लोबल स्टेज पे अपनी जगह बनानी है, तो हम ये नहीं कह सकते हमको 9 to 5 जॉब ही करनी है जी, हमको अपना पूरा वीकेंड चाहिए, हमको हर क्वार्टर में वेकेशन चाहिए, तो फिर उसी तरह से ग्रोथ होएगी है ना। ठीक है, बहुत अच्छे तो से आपने क्लैरिटी दी है इस पर। मैं तो इसको उसी तरह से लूंगी कि 1 मिनट के लिए आप उसको ये समझिए कि, और ऐसा नहीं है कि हमने से हम में से किसी ने भी
हार्ड वर्क नहीं किया है या स्ट्रेच नहीं किया है, जब बिल्कुल हम बिल्कुल आप अपना टाइम याद कीजिए, जब बोर्ड्स होते थे, एग्जाम्स होते थे यूनिवर्सिटी के, रात रात भर जागे हैं जी आप। जी अब जी डॉक्टर्स को देखिए, 36 36 घंटों की ड्यूटी होती है, वो तो नहीं परेशान होते। इनफैक्ट अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, तबीयत खराब है, अगर आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा तो हम ही आम जनता ही परेशान होएगी। लेकिन उस समय तो हम लोग नहीं कहते कि अरे उनको नहीं काम करना चाहिए। जी तो सही एक चीज और बोलूंगी मैं, जब कोविड हुआ था और लॉकडाउन हुआ था, तो कितने सारे लोग, चाहे वो आईटी के हों, चाहे जो लोग एसेंशियल सर्विसेज में काम कर रहे थे, तब उन लोगों ने भी स्ट्रेच किया था। बिल्कुल किया, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आती है तो सब लोग स्ट्रेच करते हैं, ठीक है तो बाबू, किसी चीज का बखेड़ा बनाना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको बैलेंस तरीके से सोच के कहने की क्या कोशिश हो रही है और क्यों हो रही है, किसके फायदे के लिए हो रही है, वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल उसको बैलेंस तरीके से समझना भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल सही मैम। मेरा अगला मैम आपसे सवाल होगा कि क्योंकि अब नया साल शुरू होने जा रहा है, तो ऐसे में 2024 के लिए एक एचआर जो है वो एम्प्लॉय के में किस तरह की प्रायोरिटी देखता है या किस तरह की प्राथमिकताएं देखता है, अगर उसके बारे में आप इलाबोरेट कर सके तो। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आप ना टाइम को नहीं रोक सकते, और टाइम के साथ जो लोगों में बदलाव आ रहा है, लोगों की जी सोच में जो बदलाव आ रहा है, उसको भी नहीं रोक सकते। तो अगर हम ये सोचें कि जिस तरह से हम 3 साल पहले या 5 साल पहले जो हमारी पॉलिसीज थी, प्रोसेसेस थे, लर्निंग और डेवलपमेंट का तरीका था, वही चलता रहेगा तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी कंपनी के लिए, चाहे वो एमएनसी हो, चाहे वो इंडियन कंपनी हो, चाहे वो छोटी कंपनी हो या चाहे वो बड़ी कंपनी हो, एक ऐसा बिल्कुल कल्चर बनाना चाहिए और एक कल्चर बिल्डिंग पे फोकस होना चाहिए, जहाँ पे हर एम्प्लॉई को ऐसा लगे कि हम इस कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं और इस कंपनी के साथ काम करके हमको एक सेंस ऑफ प्राइड फील होता है। आजकल लोग बात करते हैं कि किस तरह से ये कंपनी एनवायरनमेंट का फायदा कर रही है, नुकसान नहीं कर रही, किस तरह से ये कंपनी लोगों का फायदा कर रही है, नुकसान नहीं कर रही, वो एडवर्टाइजमेंट्स को देख के बिल्कुल कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं, सोशल मीडिया को देख के कंपनी को इवैल्यूएट करते हैं, लीडर्स किस तरह से एम्प्लॉयज को ट्रीट कर रहे हैं उसको देख के इवैल्यूएट करते हैं। तो आई थिंक कल्चर बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा। दूसरा, हमेशा से ये माना गया है कि पीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी एचआर की होती है ना, लेकिन हमारा, इनफैक्ट आप भी अगर आप नोटिस करोगे, एक एम्प्लॉय जब ऑफिस आता है या घर से लॉग इन करता है, तो वो रोज एचआर से नहीं मिलने जाता या टॉप मैनेजमेंट से नहीं मिलने जाता। एन बिल्कुल एम्प्लॉय एक्सपीरियंसेस एन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू देयर मैनेजर्स। एब्सोल्युटली मैनेजर्स की कैपेबिलिटी है ऑफ डीलिंग विद पीपल, नर्चरिंग पीपल, अंडरस्टैंडिंग पीपल बहुत जरूरी है। मैनेजर्स बहुत जरूरी है। का जो एक वो होता है ना कि हमको लोगों से काम कराना है, उनकी प्रोडक्टिविटी से मतलब है, लोग हमारे रिसोर्सेज हैं, और अगर कोई तकलीफ होगी तो हम एचआर के पास चले जाएंगे, वो जी ठीक माइंडसेट चेंज करना है। है जी तो ये कैपेबिलिटी सेकंड बिल्ड करनी है और ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। तीसरा, आज अगर आप आज क्या कभी भी अगर आप देश में देखेंगे, तो मैंने पहले भी बोला है कि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और एक बहुत डाइवर्स देश है, यहाँ के लोग बहुत डाइवर्स हैं। डाइवर्सिटी का मतलब सिर्फ मैन और वुमन नहीं है, और डाइवर्सिटी का मतलब ये भी नहीं है कि आप जेंडर डाइवर्सिटी बढ़ाएं, डाइवर्सिटी का मतलब जनरेशनल डाइवर्सिटी भी है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी है, जेंडर एक्सप्रेशन भी है, कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। तो
तो अगर आज आप देखें, और अगर आप किसी एक इंसान को देखें, तो आप उसको किसी एक डायमेंशन से डिफाइन भी नहीं कर सकते। बिल्कुल मतलब कोई भी सिर्फ एक जेनरेशन वाई या मिलेनियल नहीं है। वो ठीक उनकी है। एजुकेशन क्या है, कल्चर क्या है, जेंडर क्या है, बहुत सारी चीजें एक इंसान को डिफाइन करती हैं। तो ठीक हमको अपना डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन का दायरा ब्रॉडन करके अपनी पॉलिसीज और प्रोसेसेस को एक नए लेंस से देखना पड़ेगा। ठीक है मैम। और लास्टली, हमारा जो हेल्थ एंड वेलनेस का फोकस है, देखिए, आई थिंक अक्टूबर 2022 में आईआरडीए ने बोला कि मेंटल हेल्थ को कवर करना चाहिए सारी इंश्योरेंस कंपनीज ने। अभी कुछ महीने पहले मैंने एक कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, और बहुत सारी कंपनीज को इसके बारे में पता नहीं था, और सिर्फ 6 इंश्योरेंस कंपनीज थी जो मेंटल हेल्थ को कवर करती थी, और उसमें भी बहुत सारा फाइन प्रिंट है। अब बिल्कुल बहुत सारी कंपनीज ईएपी भी रखती हैं, एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, जहां पे एम्प्लॉयज को अगर कोई तकलीफ हो वो बाद में जाके बात कर सकते हैं। लेकिन चाहे इंश्योरेंस हो चाहे ईएपी हो, वो तो काम में आएगा जब एम्प्लॉय को तकलीफ हो गई। कंपनीज ऐसा क्या कर रही हैं जिससे एम्प्लॉय को तकलीफ हो ही ना। ठीक है। मेरे ख्याल से अगर कंपनीज को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कंपनीज को फोकस करना चाहिए इस चीज पे कि एम्प्लॉयज को हेल्दी कैसे रखना है। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि नाइट शिफ्ट में जो लोग होते हैं उनको ओबेसिटी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। जी तो मेरे हिसाब बिल्कुल से पूरा एम्प्लॉय हेल्थ एंड वेलनेस का नजरिया चेंज होना चाहिए 2024 में। ठीक है मैम। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, मैं चाहूंगा आप इसको शॉर्ट में जवाब दीजिएगा मैम। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो लगातार स्किल्ड और एंटरप्रेन्योर पर फोकस करते रहे हैं, और कोरोना में हमने जॉब जाते हुए भी देखी इस तरह की स्थिति आई। अब इतने सालों के तजुर्बे से, मतलब क्योंकि आपको बहुत लंबा तजुर्बा रहा है इस फील्ड में, ये बताइए कि कौन से ऐसे कोर्सेज या फिर स्किल्ड अपनाने चाहिए ताकि जो हाई सैलरी, क्योंकि हर एक चाहता है एम्प्लॉय की उसकी सैलरी बढ़े लगातार और अच्छी खासी बढ़े, तो और ना ही उसको बेरोजगारी का डर हो, तो आपके हिसाब से क्या होने चाहिए वो चीज, स्किल्ड या कोर्सेज क्या होने चाहिए? मैं इसको दूसरे तरीके से जवाब दूंगी। मेरे हिसाब से इसमें स्किल या कोर्सेज का नहीं, इसमें एटीट्यूड है। एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मुसीबतें तो आती रहेंगी ना, आप कोविड को कंट्रोल कर सकते हो, ना आप रिसेशन को कंट्रोल कर सकते हो, ना आप डिमोनेटाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हो। आप सिर्फ ये देख सकते हो कि जब ये आती है सिचुएशन, आप किस तरह से अपने आप को सस्टेन कर सकते हो, आपके सामने क्या अपॉर्चुनिटी है, आप उसको कैसे ग्रैब करोगे। तो वो जो रेजिलियंस है और एक्शन ओरिएंटेशन है, वो आप अपने में कैसे बिल्ड करते हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है मैम, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों के सवाल दिए मैम। बिजनेस फील्ड बाजार के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हर्ष। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।